अब हम प्लेटों के प्रकार के विषय में डिस्कस करें कि प्लेटों के टाइप्स ऑफ प्लेट्स एंड देयर नंबर ऑफ़ प्लेट्स की कौन कौन से प्रकार होते हैं और यहाँ पर वर्तमान समय में प्लेटों की संख्या कितनी है तो प्रकार के विषय में हमने जब विशेषता बताई तब भी मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं इसी में यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन या कंपोजिशन को भी हम डिस्कस कर रहे थे जब प्लेटों के स्ट्रक्चरल कैरेक्टर की बात कर रहे थे तब इसी में स्ट्रक्चरल कैरेक्टर को आधार बना के यानी जो उनका खनिजी संयोजन है और उनका जो संगठन है यानी कुल मिला के उनकी जो संरचनात्मक व्यवस्था है स्ट्रक्चरल जो उनका अरेंजमेंट है उसको बेस बनाकर प्लेटों को दो प्रकारों से बांटा जा सकता है या दो रूपों में बांटा जा सकता है और ये दो रूप में बांटा गया है पहला कॉन्टिनेंटल प्लेट महादीपी प्लेट और दूसरा ओशियानिक प्लेट या महासागरी प्लेट जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आपको कि जो महादीपी प्लेट है इसमें बेस वाला भाग जो नीचे वाला भाग है उसमें और जो महासागरी प्लेट है इनका जो बेस वाला भाग है नीचे वाला भाग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है इन दोनों प्लेटों में जो जहां से डिफरेंस पैदा होता है ये डिफरेंस पैदा होता है कि इस जो बेस वाला भाग है जिसको हम अपर सॉलिड मेंटल कह सकते हैं दोनों का अपर सॉलिड मेंटिल ही बेस है तो अंतर वहां से पैदा होता है कि इस अपर सॉलिड मेंटिल के ऊपर महादीपी प्लेट में क्या है और यहाँ पर महासागरी प्लेट में अपर सॉलिड मेंटिल के ऊपर क्या है जब यहाँ हम देखते हैं महादीपी की बात करते हैं महादीपी प्लेट की तो महादीपी प्लेट में अपर सॉलिड मेंटिल के ऊपर ग्रेनाइट वाला क्रस्ट है यानी ग्रेनेटिक क्रस्ट है यानी फेल्सपार से निर्मित क्रस्ट है यानी कैल्शियम ऑक्सीजन सिलिका अल्मोनियम पोटेशियम सोडियम से निर्मित क्रस्ट है लेकिन जब यहाँ हम बात करते हैं यहाँ ओशियानिक प्लेट्स की तो पता चलता है कि इसके ऊपर ओशियानिक क्रस्ट है और जब ओशियानिक क्रस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर फेरियम और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा है वो वाला क्रस्ट है यानी यहां पर दोनों की डेंसिटी में भी अंतर है और दोनों की थिकनेस में भी अंतर है यहां पर यहाँ इसकी जो मोटाई होगी वो बहुत अधिक हो जाएगी और इसी के कारण जो ग्रेनेटिक प्लेट है और जो यहाँ बेसाल्टिक प्लेट है क्योंकि ग्रेनेटिक प्लेट कौन सा होगा हो जो महाद्वीपी होगा और बेसाल्टिक प्लेट कौन सा होगा जो, जो महासागरी होगा ये बेसाल्टिक और ग्रेनेटिक प्लेट का जो थिकनेस है औसत जो मोटाई होगी वो दोनों में अंतर हो जाएगा केवल मोटाई ही नहीं इनकी जो इलास्टिसिटी होगी ये भी बहुत ही अंतर दोनों में हो जाएगी हम पहले मोटाई की बात करते हैं तो एवरेज थिकनेस औसत जो मोटाई है महादीपी प्लेट की जो ग्रैनेटिक प्लेट के रूप में है यहाँ पर औसत ये 200 किलोमीटर है यानी सरफेस से लेकर 200 किलोमीटर तक इनकी एवरेज है एवरेज मीन्स ये हुआ कि कहीं कम भी होगा कहीं ज़्यादा भी होगा ये इनकी एवरेज थिकनेस है हमें अगर पता है कि जो महाद्वीपीय क्रस्ट है ये महाद्वीपीय क्रस्ट कि औसत अगर जो उनकी थिकनेस है मोटाई है मालूम हो जाए तो हम निश्चित रूप से ये समझ सकते हैं कि मेंटल का इसमें कितना योगदान होगा महाद्वीपी क्रस्ट की जब हम बात करते हैं तो पता चलता है कि इनकी एवरेज जो क्रस्ट की जो थिकनेस है वो पचास किलोमीटर है इसका मतलब यह हुआ कि महाद्वीपी क्रस्ट का पचास किलोमीटर भाग और प्लस जितना भाग मेंटल का हुआ पर सॉलिड मेंटल का हुआ ये दोनों मिलेंगे तब ये 200 किलोमीटर का एवरेज बनाएंगे दूसरी तरफ जब हम महासागरी प्लेट की बात करते हैं तो महासागरी प्लेट में उनका कैरेक्टर हो गया बेसाल्टिक और महासागरी प्लेट में महासागरीय क्रस्ट स्थित है महासागरी क्रस्ट की जो थिकनेस है वो पांच किलोमीटर है टेन टाइम्स कम है ये पचास किलोमीटर था वहाँ पांच किलोमीटर है दस गुना कम हो गया महादीपी प्लेट से और पाँच किलोमीटर और प्लस जो भी हमारा नीचे स्थित अपर सॉलिड मेंटल हुआ ये दोनों मिलते हैं और तब इनकी औसत जो मोटाई है उसका निर्माण करते हैं और ये औसत मोटाई है 100 किलोमीटर एवरेज 100 किलोमीटर तो 200 किलोमीटर की महादीपी प्लेट और 100 किलोमीटर की महासागरी प्लेट की स्थिति यहाँ पर हो गई और इस प्रकार से ये महासागरी और महाद्वीपी प्लेट ये जो भी हम बात कर रहे हैं अलग अलग डिस्टिंक्ट कैरेक्टर के रूप में भले हम डिस्कस कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि एक प्लेट महाद्वीपी होगा एक प्लेट महासागरी होगा फिर से कोई महाद्वीपी होगा फिर से कोई महासागरी होगा ऐसा कोई विशिष्ट रूप से इनका डिवीजन नहीं होता बल्कि एक ही प्लेट कुछ क्षेत्र उसका महाद्वीपी हो सकता है कुछ क्षेत्र उसका महासागरीय हो सकता है और इस प्रकार से महाद्वीपी और महासागरी प्लेटों का ये जो बेसिक कैरेक्टर है इनके रेशियो में इनके अनुपात में अंतर हो सकता है कि किसी प्लेट का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा महाद्वीपीय हो या किसी प्लेट का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा महासागरी हो और महादीपी वाला कम हो अंतर केवल इतना हो सकता है और इस आधार पर हम प्लेटों का कैरेक्टर उनकी थिकनेस और बहुत सारी चीजें हम लोग यहां पर उससे निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं यहां पर यदि आप यूपीएससी या प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज यानी पीसीएस के संपूर्ण सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक पर सभी प्रकार के प्रश्नों को करने में सक्षम होना चाहते हैं तो सिविल सर्विसेज के सर्वाधिक लोकप्रिय विषय ज्योग्राफी ऑप्शनल के हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए क्योंकि ज्योग्राफी कंसेप्चुअल और अप्लाइड सब्जेक्ट है और कंसेप्ट के बिना आपकी तैयारी अधूरी है हम बात करते हैं अब नंबर ऑफ प्लेट्स ऑन द ग्लोब यानी पूरे ग्लोब पर ये छोटे बड़े जो भी हो सकते हैं और जिस भी कैरेक्टर के हो सकते हैं तो ग्लोब पर वर्तमान समय में प्लेटों की संख्या है कितनी प्रकार तो हम लोग जान गए लेकिन ये संख्या कितनी है अगर हम केवल साइज को बेस बनाए आधार बनाए, तो साइज़ के आधार पर इसका पूरा एक डिवीजन किया गया है साइज में कुछ बहुत बड़े प्लेट हैं बहुत बड़े प्लेट मीन्स उस पर महाद्वीप भी है उस पर महासागर भी है इतने बड़े प्लेट हैं और कुछ ऐसे भी प्लेट हैं जो अपेक्षाकृत बड़े प्लेटों से छोटे हैं और कुछ ऐसे भी हैं कि उन अपेक्षाकृत छोटे प्लेटों से भी बहुत ही छोटे हैं इसका मतलब यह हो गया कि तीन इनकी कैटेगरी बन सकती है मेजर प्लेट्स मेसो प्लेट्स एंड माइनर प्लेट्स और इस प्रकार अगर हम इनको दो डिवीज़न करना चाहें जो मेसो प्लेट हैं मीडियम प्लेट है मीडियम साइज वाले हैं उनको और छोटे प्लेटों को एक साथ रखना चाहें तो दो प्लेटों का समूह बन सकता है मेजर ग्रुप्स प्लेट्स ग्रुप्स और दूसरा मीडियम और माइनर प्लेट्स ग्रुप्स का ये दो बन सकता है और इस आधार पर पूरे विश्व में जो मेजर प्लेट्स हैं और मेसो प्लेट्स हैं या माइनर प्लेट्स हैं इनके दो समूह बनते हैं और इन्हीं दो समूहों में हम पहले मेजर प्लेट्स की बात करते हैं कि विश्व में हमारे मेजर प्लेट्स पूरे ग्लोब पर कौन कौन से हैं बृहद प्लेट कौन कौन से हैं जैसा कि मैंने आपको बताया इसके पहले वाले लेक्चर में भी चर्चा हुई है और यहाँ रिमाइंड करा दें कि जितना समय बीतते जा रहा है पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से अब तक उतना ही प्लेटों की साइज़ पर भी इसका असर पड़ रहा है और प्लेटें बड़ी होती जा रही हैं क्योंकि प्लेटों की जो साइज़ है इस साइज का सीधा सीधा संबंध इसके इंटीरियर के फिजिकल कंडीशन विशेषकर जो थर्मल कंडीशन है तापी दशाएं हैं उससे ये सीधे सीधे संबंधित है और इसी के कारण यहाँ पर साइज़ बढ़ते जा रहा है और ये प्लेटें जो मेजर प्लेट के रूप में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं तो ये मेजर प्लेटें इतनी बड़ी हैं इन्हीं के प्रभाव के कारण कि इस पर महासागरीय क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग है महाद्वीपीय स्थिति भी है और इस आधार पर यहाँ पर पूरे विश्व में वर्तमान समय में ऐसे सात मेजर प्लेटें निर्धारित की गई हैं सेवन मेजर प्लेट्स निर्धारित किए गए हैं देर आर सेवन मेजर प्लेट्स एंड ट्वेंटी माइनर प्लेट्स ऑन द ग्लोब सात बड़े प्लेट और बीस लगभग बीस माइनर और मीडियम प्लेट्स हैं इस पूरे ग्लोब पर इसमें से कुछ प्रमुख प्लेटों की चर्चा हम करें मेजर प्लेट जो सात हैं उन मेजर प्लेटों में ये महादीपी प्लेट और महासागरी प्लेट दोनों ही हैं इसमें कोई ऐसा नहीं है कि केवल महादीपी हो और महासागरी ना हो दोनों प्रकृति के हैं और यहाँ पर सबसे पहला पैसिफिक प्लेट दूसरे नंबर पर यूरेशियन प्लेट तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट चौथे नंबर पर साउथ अमेरिकन प्लेट पाँचवें नंबर पर अफ्रीकन प्लेट फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और लास्ट में सातवें नंबर पर अंटार्कटिक प्लेट को हम रखेंगे अब आइए हम लोग मीडियम प्लेट की और माइनर प्लेट्स की बात करते हैं तो मीडियम और माइनर प्लेट्स में इनकी भी संख्या जो प्रमुख है इनकी संख्या सात है जिनका असर हम देखते हैं तो इसलिए सात है संख्या तो इनकी ज़्यादा है लेकिन हम यहाँ पर केवल सात ऐसे प्रभावी प्लेट्स हैं जिनके विषय में बहुत ज़्यादा स्टडी हुई है और जिनके विषय में इंफॉर्मेशन अवेलेबल भी है पर्याप्त ये सात मेजर प्लेट्स सॉरी माइनर प्लेट्स और मीडियम प्लेट्स कौन से हैं तो अरबियन प्लेट कैरिबियन प्लेट डी फूका प्लेट नजका प्लेट फिलिपाइन प्लेट और एस्कोसिया प्लेट एक प्लेट और भी है कोकोस प्लेट तो यहां पर अरबियन कैरिबियन, जुआन डी फूका नजका फिलिपाइन एस्कोसिया और कोकोस प्लेट ये सात ऐसे प्लेट हैं जो काफी छोटे मीडियम होने के बाद भी काफी डोमिनेंट है प्रभावी है और अपना एक विशिष्ट कैरेक्टर यहां पर रखते हैं अब आइए हम इनको मैप के थ्रू इनके कैरेक्टर इन प्लेटों के कैरेक्टर और इनके पोजीशन को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं यहाँ आपके सामने ये पूरा मैप बना हुआ है और इस पूरे मैप में ये जो बाउंड्री लाइन बनी है ये प्लेटों की बाउंड्री लाइन है और इसी में जो आपको एरो से जो शो किया जा रहा है ये उनके प्लेटों के मोशन के डायरेक्शन को शो कर रहा है और केवल ये डायरेक्शन ही नहीं है जैसा मैंने आपको बताया कि जहाँ दो प्लेटें आएंगी मिलेंगी इस रूप में जहां एरो लगा हुआ है यहां पर प्लेटों का डिस्ट्रक्शन होगा यानी विनाश होगा और इसी प्रकार जहां पर इस प्रकार की स्थिति लगी है यानी ये एरो का आप समझ सकते हैं कि इसका मुख इधर की तरफ है इसका मुख इधर की तरफ है तो जहां इस प्रकार की स्थिति होगी वहां आप समझ सकते हैं कि प्लेटों का निर्माण हो रहा है सृजन हो रहा है वहां पर और इनकी जो दिशा होगी ये मूवमेंट की दिशा बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे की होगी तो दो ही दिशा आपको यहाँ पर प्रमुख रूप से दिखाई गई है आप एरो के माध्यम से उनके बाउंड्री लाइन पर बनी हुई उस दिशा को देखते चलिएगा और समझते चलिएगा इसमें सबसे पहला प्लेट जो आपके सामने इस मैप में है इसको एक रिंग से जो आप रेड रिंग में आप देख रहे हैं यहाँ पर जहाँ नाम इसका लिखा हुआ है उसी को हम यहाँ सामने करके और आपको पहचानने में सुविधा रहे उस तरह से इसको रखा गया है तो जो पहला प्लेट है ये है पैसिफिक प्लेट अब पैसिफिक प्लेट के कुछ जनरल कैरेक्टर को आप समझिए ये पैसिफिक प्लेट पूरे हमारे इस ग्लोब का एनशियन प्लेट है सबसे प्राचीनतम प्लेट है और मैंने जब प्लेट के कैरेक्टर को डिस्कस किया था तो उस समय मैंने आपको बताया भी था कि जो जितना ही पुराना प्लेट होगा उसका बेसिक जो स्ट्रक्चरल कैरेक्टर होगा संरचनात्मक जो उसकी विशेषता होगी यानी जिन खनिजों से उसका निर्माण हुआ है उसमें बैसाल्ट की तुलना में गैब्रो बैसाल्ट और गैब्रो का बहुत ज्यादा रोल होगा यानी गैब्रो वाली शैलें वहां पर बहुत ज्यादा होंगी यानी वहां पर ऑलविन पायरोक्सिन का अनुपात ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू न्यू जो प्लेट्स हैं न्यूली फॉर्म फॉर्मुलेटेड प्लेटें हैं इनके कंपेरिजन में तो यहां पर अगर ये पूरे पृथ्वी का सबसे प्राचीनतम प्लेट है तो यहां पर इसकी संरचना गैब्रो से या गैब्रो बेसाल्टिक होने के कारण इसकी थिकनेस भी बहुत ज़्यादा होगी भारी भी बहुत ज़्यादा होगी और यदि थिकनेस बहुत ज़्यादा होगी भारी बहुत ज़्यादा होगी तो इसका प्रभाव इसके भारी होने का प्रभाव इसके बाकी जगहों पे पड़ेगा जहाँ पर ये इनका सबडक्शन होता है यानी जहाँ पर ये छेपित होती है वहाँ पर पड़ेगा ये ज़्यादा झुकेंगी भी ये सारी विशेषताएँ इनमें स्थित है और इनका प्रभाव इस रूप में पड़ता भी है प्रशांत महासागर इसी पर स्थित है पैसिफिक जो ओशन जो सबसे बड़ा महासागर है ये सबसे बड़ा महासागर इसी पर स्थित है और यहाँ पर इसके इसी थिकनेस का ही प्रभाव आप समझिए यानी चूंकि बहुत ही ज़्यादा कंपैक्ट है तो कंपैक्टनेस ज़्यादा होने के कारण प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर भी बन गया है ग्लोब का गहरा होने का मतलब कि जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी जो जितना पतला होगा उतना ही अगर आप वाटर सरफेस से जल के सतह से देखेंगे तो उसकी गहराई उतनी ही नीचे हो जाएगी तो ये स्थिति इतना बड़ा प्रभाव यहाँ पर ये पड़ा भी है और इतना ही नहीं पड़ा है बल्कि इसके गहराई का प्रभाव इसके टेम्परेचर पर भी बढ़ता है जो आप देखेंगे कि औसत रूप से एवरेज आप देखेंगे तो कूलेस्ट ओशन के रूप में इसको जाना जाता है प्रशांत महासागर को तो प्रशांत महासागर की कई विशेषताओं का निर्धारण यहां पर ये यह प्लेट यहां पर कर रहा है और इस प्लेट की एक और विशेषता जो आप एरो के थ्रू आप देख सकते हैं कि यहां पर चारों तरफ से इस पर इंक्रोचमेंट हो रहा है आक्रमण हो रहा है एक तरफ आप देख रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि यूरेशियन प्लेट है तीसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और फिर नीचे से अंटार्कटिक प्लेट है इधर की तरफ अमेरिका आ, की तरफ से आप दो छोटे छोटे प्लेटों को आप देख रहे होंगे नजका प्लेट देख रहे होंगे कोकोस प्लेट देख रहे होंगे तो ये सब सारे प्लेट्स हैं और सब में जो तीर का डायरेक्शन लगा हुआ है इसमें से आप नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो यूरेशियन प्लेट है उसमें देखिए और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और नीचे अंटार्कटिक प्लेट है इसमें जब देखेंगे तो ये प्लेटें इधर की तरफ ही इनक्रोच कर रही हैं दबाव बना रही हैं इसीलिए बड़ी तेजी के साथ ये सिकुड़ता जा रहा है यहाँ पर इसका जो एरिया है कम होते जा रहा है एक समय था कि ये इसी प्लेट के कैरेक्टर ही के कारण ही ये पैंथलासा हुआ करता था लेकिन पैंथलासा से पैसिफिक बन चुका है पैंथलासा इसका आरंभिक नाम जब पृथ्वी पर महासागरों का उद्भव हुआ और आज उसी का ये पार्ट है इसलिए ये पैसिफिक के रूप में है प्रशांत के रूप में है लेकिन फिर भी अब तक जितने भी महासागर हैं उन महासागरों में सबसे बड़ा है नियर अबाउट फिफ्टी परसेंट इसका पूरा पूरा इसका एरिया हो जाता है लगभग पचास परसेंट के आसपास तो इस प्रकार सबसे बड़ा महासागर यहाँ पर हो जाता है अब यहाँ पर ये प्लेटें नीचे की तरफ झुकी हुई हैं इसलिए नीचे की तरफ झुकी हैं और सबसे पुराना प्लेट होने के कारण भारी प्लेट होने के कारण ज़्यादा डेंस होने के कारण ये जब ज़्यादा झुकेगा तो गहरे गहरे ट्रेंच बनाएगा इसलिए पूरे आप मानचित्र में जब देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो डीप या डीपेस्ट ट्रेंच आपको मिलेंगे जो गर्त मिलेंगे वो इसी प्लेट के सीमांत पर मिलेंगे जैसे मैरियाना ट्रेंच आप देखिए फिलिपाइन प्लेट के बगल में जहाँ फिलिपाइन प्लेट है उसी फिलिपाइन प्लेट के बगल में ही यानी फिलिपाइन प्लेट और यहाँ पर ये जो पैसिफिक प्लेट है इसी के सीमांत पर आपको मैरियाना ट्रेंच मिलेगा इसी तरह से और भी बहुत सारे ट्रेंस है तो ये सब सारे गर्त यहाँ पर मिलेंगे यहाँ पर इवोल्यूशन या ओरिजिन आप देखेंगे तो जो नजका प्लेट है और कोकोस प्लेट है तो नजका और कोकोस प्लेट के पास ही इनका केवल उद्भव हो रहा है जो इवोल्यूशन हो रहा है प्लेटों का नज़क़ा और कोकोस प्लेट के आसपास बाकी हर जगह इनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है यानी यहां पर अगर आप देखें तो कोई ऐसी रेखा नहीं है या कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं से इवोल्यूशन हो रहा हो बल्कि इवोल्यूशन थोड़ा सा साइड में हो रहा है और बहुत ही कम जो एरिया है वो जो लेंथ है उसकी नजका प्लेट की बाउंड्री जहाँ पर बनाती है और कोकोस प्लेट की बाउंड्री बनाती है तो बाकी इसकी प्लेट की सीमाओं के कंपेरिजन में उसकी बाउंड्री लाइन बहुत छोटी है इसलिए निर्माण कम होता है विनाश ज़्यादा होता है यानी 80 परसेंट इसका विनाश हो रहा है और 20 परसेंट इसका केवल निर्माण हो रहा है तो जो मार्जिन दोनों के बीच में बच गया यानी जो 60 परसेंट हिस्सा होगा ये प्रतिवर्ष विनष्ट होते जाएगा यानी बड़ी तेजी के साथ सिकुड़ने वाला प्रभाव इसके एक्सट्रीम के करने वाला एक इंपैक्ट इसके ऊपर देगा तो ये सब सारे प्रभाव हैं जो पैसिफिक प्लेट के विषय में हम हमें जानना चाहिए यदि आप यूपीएससी या प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज यानी पीसीएस के संपूर्ण सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक पर सभी प्रकार के प्रश्नों को करने में सक्षम होना चाहते हैं तो सिविल सर्विसेज के सर्वाधिक लोकप्रिय विषय ज्योग्राफी ऑप्शनल के हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए क्योंकि ज्योग्राफी कंसेप्चुअल और अप्लाइड सब्जेक्ट है और कंसेप्ट के बिना आपकी तैयारी अधूरी है